हार्टिक्स या विंचेस्टर डिक्स। हार्टिक्स ड्राइव साधारणतः हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क एक स्थायी डाटा संग्रहण इकाई होता है जो डिजिटल के रूप में डेटा को चुंबकीय सतहों वाले घूमते हुए फ्लैटर्स पर तेजी से साथ संग्रहित करता है। यह मैग्नेटिक्स के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। सर्वप्रथम हार्ड डिस्क आईबीएम का 350 स्टोरेज यूनिट था जिसे 1956 में 305 रोम में कंप्यूटर में प्रयुक्त किया गया। इसमें मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था। इसमें 50 लाख सातवें डाटा संग्रहित किया जा सकता था, लेकिन आज हम जो डिस्क ड्राइव प्रयोग कर रहे हैं उसकी तकनीक आईबीएम ने 1973 में इजाद की थी, जिसे विंचेस्टर डिस्क के नाम से जाना जाता है। इसकी क्षमता 35 और 70 आईबीएम की थी। हार्ड डिस्क लगभग मैग्नेटिक डिस्क का ही प्रतिरूप होती है। मैग्नेटिक डिस्क को जहां उपयोग में लाने के लिए डिस्क ड्राइव की आवश्यकता होती है, वहीं हार्ड डिस्क कंप्यूटर के सीपीयू बॉक्स के अंदर ही लगी होती है और इसे उपयोग में लाने के लिए किसी विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। हार्ड डिस्क का आकार, संग्रहण क्षमता व निर्माणकर्ता कंपनी पर भी निर्भर करता है। वर्तमान में 20 GB से लेकर 2 TB तक संग्रहित क्षमता की हार्ड डिस्क उपलब्ध है। यहाँ हम 20 MB संग्रहित क्षमता की हार्ड डिस्क से संबंधित कुछ तथ्य जानकारी के लिए प्रयोग प्रस्तुत कर रहे हैं। 20 MB की हार्ड डिस्क में कुल 2 घूमती डिस्क, 4 सतहें होती हैं। प्रत्येक सतह पर 615 ट्रैक होते हैं। इस तरह कुल 615 × 4 2460 ट्रैक एक डिस्क में होते हैं। प्रत्येक ट्रैक में 15 सेक्टर होते हैं। प्रत्येक ट्रैक में 512 बार संग्रहित की जा सकती है। इस तरह एक ट्रक में 512 × 17 8704 बाइट संग्रहित की जा सकती है। हार्ड डिस्क ड्राइव पिस्तौल कंप्यूटर में प्रयोग के लिए विकसित किया जा गया था। आज हार्ड डिस्क ड्राइव के अनुप्रयोग कंप्यूटर से आगे बढ़कर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, डिजिटल ऑडियो प्लेयर, पर्सनल डिजिटल सहायक, डिजिटल कैमरा, डिजिटल कंसोल में होने लगे हैं। सैमसंग तथा नोकिया के मोबाइल फोनों में भी हार्ड डिस्क के प्रयोग पाए जा सकते हैं।